Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर्स सेल सिमुलेटर. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कार शोरूम टेक्नो मोटर्स को एक बहुत बड़ी डीलरशिप बना चुके हैं. पहले कहां एकदम छोटी पिद्दू सी थी, बट अभी टेक्नो मोटर्स बहुत बड़ा बन चुका है. और मेरा ना बस एक छोटा सा टारगेट ये है कि इस शोरूम से हमें बस एकदम लग्जरी कार्स बेचनी है. तो अब जो सस्ती गाड़ियां मिलती है ना, मैं वो सब नहीं खरीदता. हम लोग सिर्फ BMW, ऑडी, मर्सिडीज, सुप्रा, मस्टैंग, लंबोर्गिनी, फरारी, सारी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के लाते हैं. तो आज के इस वाली वीडियो में मैं चैलेंज लेने वाला हूं 10 से भी ज्यादा लग्जरी कार सेल करने का. लेट्स गो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं वीडियो में. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. फिलहाल अभी मैं अपने कार शोरूम में नहीं हूं, मैं हूं अपने घर के बाहर जहां पे मैंने अपनी मस्त माफिया कार खड़ी कर रखी है. हां भाई, पहले बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम ना, ये गाड़ी इस गेम में फरारी एंड लंबोर्गिनी दोनों से ज्यादा फास्ट है. वैसे एक सेकंड, ये तो फास्ट है, बट ये इधर क्या हो गया भाई? हेलो, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा है भाई इधर दो गाड़ियों का. मुझे पक्का पता है ये रेड कार वाला ना सामने से बहुत तेज भगाता हुआ ला रहा होगा, बट इसने एक सेकंड टक्कर पड़ी है लेफ्ट साइड पे और गाड़ी टूटी है राइट साइड पे. ये क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पता चला पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए. वैसे यार बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, लोगों की गाड़ियां खराब होगी, तभी तो वो हमारे शोरूम में नई गाड़ियां लेने आएंगे. एक तरीके से अपना फायदा है, मेरे हिसाब से तो और एक्सीडेंट होने चाहिए इधर. मजाक कर रहा हूँ, गेम में ऐसा होना चाहिए. बट हाँ, आज शोरूम जाने से पहले सोच रहा हूँ क्यों ना अपने नेबरहुड में कुछ गाड़ियां देख लूँ. इधर एक लेक्सस बिक रही है, कितने की भाई? देखो गाड़ी 6% डैमेज है और ये बंदा मुझे बेच रहा है 35,000 की. मुझे आज 10 लग्जरी कार बेचनी है और ये भी एक लग्जरी कार में आती है क्योंकि $35,000 तक की है भाई. तो मैं काम करता हूँ, 35 की बेच रहा है तो क्यों ना मैं इससे 3199 की ले लूं, 3199 की बेच देगा, मुझे अच्छे से पता है. लेट्स गो. तुम्हारा भाई एक्सपर्ट हो चुका है भाई गाड़ियां लेने में. वैसे एक सेकंड यार, गाड़ी लेने में एक्सपर्ट तो हो गया हूं, बट मैंने इसके टायर्स नहीं देखे. क्या घटिया व्हील लगा रखे इसने अपनी गाड़ी में, ऐसा लग रहा है किसी ने मर्सिडीज मायबाग में ऑटो रिक्शा के व्हील लगा दिए. बट ठीक है भाई, गाड़ी में बैठ के एक बार चालू करके देख लेता हूं. इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा लग्जरी है भाई, सही बता रहा हूं. मेरे हिसाब से पूरी गेम में यही इकलौती ऐसी कार है जिसमें इतनी बड़ी डिस्प्ले आती है. हाँ मतलब टेस्ला में भी आती है इतनी बड़ी डिस्प्ले, बट ये एक अलग बातचीत है. तो ठीक है भाई, इस गाड़ी को मैं चला के तो नहीं ले जाने वाला, इस गाड़ी से पहले यहीं पर उतरते हैं, इसको शोरूम भिजवा देता हूँ मैं. अपने पास भाई पैसा बहुत है, हम लोग गाड़ियां टो करवा सकते हैं. टो ट्रक इसे अब सीधा शोरूम पे छोड़ देगा. अब हम लोग चलकर बैठते हैं अपनी माफिया कार में, थोड़ा सा और नेबरहुड घूमते हैं और भी मस्त मस्त गाड़ियां यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी बिक रही है. थोड़ी बहुत अच्छी डील रहेगी तो लगे हाथ में गाड़ियां खरीद लूंगा यार. राइट साइड में खचाड़ा सी गाड़ी है जो कि मुझे नहीं लेनी. भाई सस्ती गाड़ियां खरीदना मैंने छोड़ दिया भाई, समझ क्यों नहीं आता मेरे मोहल्ले वालों को. एक सेकंड भाई, सामने ये कौन सी गाड़ी है? ये तो BMW है भाई, पुरानी BMW है बहुत ज्यादा. देखो भाई BMW है, लग्जरी कार में आती है तो हमें खरीदनी पड़ेगी. और यार इसमें तो बहुत सही काम हो रखा है, व्हील्स देख रहे हो, अलॉय देखो भाई तुम. तो गाड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा सही लग रही है, एम स्पोर्ट है, तो BMW 5 सीरीज है. ओके 13,000, क्या मेरी किस्मत अच्छी है या फिर एक्चुअल में गाड़ी इतनी सस्ती है? वैसे शायद ये बहुत ज्यादा पुराना मॉडल है, 1983. तो अगर 13,000 बोल रही है तो मुझे इससे 10,000 में लेना चाहिए. थोड़ी बार्गेनिंग कराऊंगा, रिपेयर करा के बेचूंगा तो फायदा. वैसे एक सेकंड, रिपेयर कराने की जरूरत नहीं, गाड़ी पूरी ठीक है. ये आंटी जी बेच तो नहीं रही है तो थोड़ा सा मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, शायद अब मिल जाए 11,500 में. आंटी ये बहुत, हाँ यस, टेक्नो मोटर से आए भाई, अपने को इतना ऑफर तो बनता है. बाकी गाड़ी खरीदी है एक तो मैं लगे चला के देखता हूँ भाई से. ओके गाड़ी का साउंड तो ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ी सी भागने में तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं है. मतलब हाँ पुरानी गाड़ी है तो ठीक है, मुझे अभी गाड़ी नहीं चलानी. इस गाड़ी को फटाफट से हम लोग शोरूम भिजवा देते हैं. दो गाड़ियां आज हमने खरीद ली है, टोटल 10 लग्जरी कार बेचनी है, दो हो चुकी हैं. ये दोनों तो मैं बेच दूंगा, मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे भी 8 गाड़ियां और खरीदनी है. वैसे गाइस आज ना ऑक्शन डे है तो फटाफट मुझे ऑक्शन में चलना चाहिए, वहां पे भी बहुत मस्त मस्त गाड़ियां मिल रही होगी. गाइस ऑक्शन ना 2 बजे स्टार्ट होना था और अभी टाइम हो रहा है 2:51, मैं 1 घंटा लेट हो गया. जल्दी से गाड़ी भगाते हैं, शॉर्टकट मार के बूस्टर मारते हैं भाई. ये गाड़ी तो वैसी तूफान, नहीं, प्लीज रुक जा. बढ़िया रुक गई भाई, जैसे तैसे रुक गई. लेट्स गो, हम लोग पहुंच चुके हैं. मैं ग्लिच के थ्रू गाड़ियां देख लेता हूं भाई अंदर कौन कौन सी है. मैं इस ग्लिच का फायदा उठा के नहीं देखो गाड़ियां पता कर सकता हूं. इस वाले में पड़ी है, आई डोंट नो ये कौन सी गाड़ी है, बट हां दिख तो रही है. तो जो फोर्थ गैराज है ना उसकी गाड़ी पता करने के लिए मुझे बस ऐसे जाना है भाई फोर्थ में. अरे वेट गाइस, मैंने ग्लिच से पता करा है, बट वो जो फोर्थ गैराज है, जो फोर्थ शटर है, उसके पीछे एक निसान GTR खड़ी है भाई. मुझे ये गाड़ी चाहिए भाई, अब उतरो भाई, ऑक्शन की टिकट दे दू फटाफट. यार मेरे पास ना वैसे पैसे नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है निसान GTR मेरे, सीधी भाषा में बताऊं तो औकात से बाहर वाले प्राइस में आने वाली है. मैं लिख के दे रहा हूं यार, मुझे बैंक से लोन चाहिए, फटाफट लोन चाहिए. बैंक आज लोन देते भगवान कसम, इतना पैसा लुटाऊंगा ना. अरे भाई बैंक की वेबसाइट स्लो क्यों हो गई है? यू हैव अनपेड बिल्स. अरे ले लो यार बिल्स के पैसे, लो ले यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा
मेरा बैंक किस काम का यार, कभी काम तो आता नहीं है। ओके ओके वेट भाई, निसान GTR निकल कर आ चुकी है और मेरे पास $230,000 है। काश मैंने वो दोनों गाड़ियां नहीं खरीदी होती। वेट भाई, इस गाड़ी की बिड ही $4.5 लाख से स्टार्ट हुई है। बहुत बुरा लग रहा है गाइस, कल तक मेरे पास $1 million थे तब ये गाड़ी ऑक्शन में नहीं आई। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो ये गाड़ी को देखो भाई, लेट्स सी कितने की बिकती है। $5,50,000 का प्राइस जा चुका है। मैं खरीद तो नहीं पाऊंगा बट सोच रहा हूँ एटलीस्ट देख के जाऊँ कि आखिरकार ये गाड़ी कितने की बिकती है। यार अगर चोरी करने का ऑप्शन होता ना तो जो बंदा गाड़ी खरीदता मैं उसके घर में घुस के चुरा लेता ये गाड़ी। मुझे भाई ये कार चाहिए भाई, कुछ भी करके चाहिए। आज मेरे हाथ से निकल गई बट अगली बार मैं पैसा कमा के रखूंगा, इसको अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। भाई $6,50,000 समथिंग की वो गाड़ी बिकी है यार, मेरे पास उसका हाफ से भी कम प्राइस था, मतलब अमाउंट था। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी एक हाथ से निकली है, एक ही तो निकली है, ऐसी 500 आते जाते रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। आज हमने दो गाड़ियां खरीदी है, फटाफट से ले जाके इनको बेचते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेट्स गो। हां जी सर, कैसे हो? ऑफिस ओपन कर दो। भाई 4 बजने वाले हैं, मुझे ना फटाफट से अभी गाड़ियां बेचना चालू करनी चाहिए। चलो भाई, मुझे याद रखना है जो BMW Coupe है वो बहुत महंगी बिकेगी, तो फटाफट से चलते हैं गाड़ियां बेचने के लिए वेब पेज पे। सबसे पहले है BMW M3, 44,000 की लाया था, इसे 85,000 का डालते हैं। डन। नेक्स्ट है कूपे, 62,000 का लाया था, 120,000 का डालते हैं। एकदम प्राइस में सबके पास डबल करके डाल रहा हूँ। BMW सीरीज 1, ये तो मैं बहुत सस्ती खरीद के लाया था भाई, इसे 24,000 का डाल देते हैं, बिक जाएगी प्यार से। एंड BMW कूपे, ये वाली 1 लाख समथिंग की थी, तो उसे 1,50,000 का डालते हैं भाई, ये बिकना चाहिए महंगा। अब ये देखो भाई, एक बार शोरूम देखो, BMW अपना डीलरशिप में भाई, अब गाड़ियां ओनली BMW की हैं। भाई एक सेकेंड, इतना हो गया भाई, वेट यार बहुत ज्यादा देर हो गई है, पर अपनी डॉज चार्जर अभी तक रिपेयर नहीं, ओके होने वाली है, बस 10% और बची है, इसको भी लेकर चलते हैं बेचने के लिए, लगा देते हैं, बाकी कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। लेट्स गो, गाड़ी मस्त एकदम रिपेयर हो चुकी है, इसको तो चला के ले चलूंगा भाई, इसमें इसको गाड़ी को चलाने के लिए इंटरेस्टेड हूं मैं भाई। बहुत ही लाउड, एकदम प्रॉपर जो मसल कार्स का साउंड होता है ना, फुल लाउड वैसा साउंड है भाई इस गाड़ी का, बट इस गाड़ी से मैं बिल्कुल भी मजे नहीं लेने वाला हूं, इसको ले जाके बेचते हैं फटाफट। लेट्स गो, गाड़ी यहां पे लगा दी, ऊपर वाले फ्लोर पे इसे बेच देता हूं। और कस्टमर कहां पे आए हैं? हेलो सर, कौन सी गाड़ी लेनी है? आज सारी गाड़ियां बेच देंगे ठीक है, रात होने से पहले। $1.5 लाख की गाड़ी मैं बेचना चाह रहा हूँ, 1 लाख तू दे रहा है भाई, 92 की तो मैंने ली थी, $8,000 कमाऊंगा क्या? 1,25,000 लास्ट ऑफर, वरना घर जाओ भाई। ओके ओके, नहीं नहीं आपकी जेब में तो फिर बाय बाय। हाँ जी भाई, और कोई कस्टमर आया क्या? एक सेकंड, अपने को एक स्किल पॉइंट मिला, मैं अपने एम्प्लॉय की स्पीड को फास्टर कर सकता हूँ जो कि बहुत सही है ना, इसको बढ़ा देते हैं, अभी वो जल्दी जल्दी गाड़ियां साफ करेगा। बाकी यहाँ पर एक और कस्टमर आई है, ये भी BMW कूपे के लिए, जो कि $1,20,000 की मैंने डाली है। 1,10,000 गुड प्राइस, अब हुई ना बात, 1,10,000 है तो 1,15,000 में से ले जा, That's it, easy peasy भाई। भाई क्या मस्त पैसा कमाऊंगा भाई अब मैं। चलो भाई, इस गाड़ी के लिए भी दो कस्टमर है, ये भी BMW कूपे है, 1.5 लाख की मैंने डाली थी, 1,17,000 का ऑफर आया ना, तो तू 1,25,000 में ले जा इसे, ये बिकेगी भाई, ये बिकेगी आराम से, आंख बंद करके बिकेगी। लेट्स गो, बिक गई। कैसे बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है भाई। अब बाकी अपने पास BMW थोड़ी सस्ती सस्ती बची है। ओके, ये गाड़ी का प्राइस मैंने 24 डाला था, ये बंदा 13 दे रहा है, नहीं तो वेट कर। हाँ जी मैम, आप कितने पैसे दे रहे हो? सीरीज 1 के 12,000। ना 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 ना, तू ही ले जा भाई, इससे मैं थोड़ा बढ़ा के इसे बेच देता हूँ। अब क्या है ना, वो गाड़ी है ही ऑलरेडी बहुत सस्ती, 13 है ना, तू एक काम कर 15,500 में ले जा, प्लीज खरीद ले, अभी ड्रामे नहीं। ना 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 ना, इसमें नहीं रोना, जा यहाँ से। बाकी यहाँ पर पीछे एक और अपनी BMW बिक रही है, $85,000 मैंने इसका प्राइस डाला है, जो कि इतने में बिक जाने। 73, अच्छा ऑफर दिया इसने, तू 78 में ले जा, खत्म कर भाई, डील खत्म कर भाई। लेट्स गो, कितनी गाड़ी बेचती आज मैंने, 2 पहले की थी, 3, 4, टोटल 5 गाड़ियां मैं बेच चुका हूँ। लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं घर पे, ऑफिस क्लोज कर देते हैं, कुछ कुछ कस्टमर्स अभी भी अंदर खड़े होकर वेट कर रहे हैं, बेशरम। खैर छोड़ो, इन्हें खड़े रहने दो, मैं तो जा रहा हूँ भाई फटाफट से अपने घर पे सोने के लिए। काफी खुशी हो रही है क्योंकि अपना चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, टोटल 5 गाड़ियां मैं बेच चुका हूँ, मुझे 5 और बेचनी है। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि ओनली लग्जरी कार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी लाके बेच दी। तो मैं सिर्फ BMW वगैरह यही सब गाड़ियां मैं बेचने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर आज एक और BMW मिल रही है, ये कौन सी है? Z3A, ये महंगी कार है भाई, 17 की बेच रही है, 15 की ले लेता हूँ उससे। भाई पता नहीं क्यों मुझे BMW इतनी सारी मिल रही है। लेट्स गो, मैंने ले ली गाड़ी, डैमेज है, रिपेयर करवाएंगे, बट फिलहाल के लिए चलाने के लिए लिया मैंने तो। ओ भाई, गाड़ी पीछे से थोड़ी वाइड बॉडी है। नेक्स्ट गली में चल के देखते हैं, आज भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो रखा है भाई, बहुत गलत वाला। आज ना मेरा प्लान ये है कि जितनी भी गाड़ियां हैं फटाफट से सारी बेच देंगे, क्योंकि ऑक्शन है, ऑक्शन में पक्का कोई ना कोई बढ़िया गाड़ी आई होगी जो कि मुझे लेनी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से चलते हैं ऑक्शन में, 1 बजे ऑक्शन चालू होगा, तो फटाफट से वहाँ पे जाकर पता कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी गाड़ियां मिलने वाली हमें। भाई इस गाड़ी में ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल रखा है इसलिए इतनी ज्यादा फिसल रही है। अरे अरे यार,
इसके ड्रिफ्ट किट के चक्कर में ना टक्कर लग गई। बट ठीक है, वैसे भी ये गाड़ी मुझे रिपेयर करवानी थी तो करवा लेंगे। फिलहाल अभी ना यहाँ पे चल के पहले पता कर लेते हैं कि गाड़ी कौन कौन सी आई है। अब गेम का ग्लिच है तो हमें थोड़ा फायदा तो उठाना पड़ेगा ही ना। तो फर्स्ट स्लॉट में गाड़ी खड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है? ओ वेट, ऑडी की कोई कन्वर्टिबल कार है। नेक्स्ट में खड़ी है, ये भी कोई अच्छी गाड़ी है भाई। थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं, मैं सारी गाड़ियां यहां से पता कर सकता हूं। इसके नेक्स्ट वाले में गाड़ी खड़ी है, ये तो वही वाली BMW जो कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं। और इसके नेक्स्ट वाले में है चिंदी कार है भाई। तो ऑक्शन में ऐसे कुछ खास गाड़ियां नहीं है, एक दो गाड़ियां जो कि मैं खरीद सकता हूं। तो ऑक्शन में ऐसे कोई खास गाड़ियां नहीं है, बस एक दो गाड़ियां हैं जो कि मैं खरीद सकता हूं, बाकी तो सब टाइम पास है। और ये देखो भाई, इस गाड़ी को देखो क्या ड्रिफ्ट मार रही है। चलो भाई, इस गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, रिपेयर करने भेजते हैं। उतर के भेजूंगा ज्यादा बेटर है, कुछ टूटेगी फूटेगी तो नहीं एटलीस्ट। हाँ जी भैया, इसको रिपेयर पे लगा दो फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। $4,53,000 है। 5 गाड़ियां हम लोग बेच चुके हैं और 2 गाड़ियां अपने शोरूम में खड़ी है। बस मुझे अपना शोरूम ओपन करना है ताकि कस्टमर्स आना चालू हुए, और एक गाड़ी मुझे बेचने पे लगानी है, शायद से वो मैंने बेचने पे लगाई नहीं है। ये डॉज चार्जर अभी भी नहीं बिकने पे लगी है। 14,000 की थी ना ये, 64,000 का डालते हैं भाई। क्या पता इस गाड़ी की डिमांड हो, बिक जाए इतने की। BMW रिपेयर होने में तो टाइम लगेगा। जब तक मैं सोच रहा हूँ नेबरहुड से एक आध गाड़ी और खरीद के ले आऊं। बट एक सेकंड भाई, अपना साफ सफाई करने वाला बंदा कोट पेंट में आ गया भाई। हेलो, सही है भाई, बातचीत आ रही है अपने डीलरशिप की। हाँ जी मैम, इनको गाड़ी खरीदनी है सीरीज 124। भाई $10,000 दे रही है, तू पागल है क्या? भाग जा, निकल गए ऐसे, कोई जरूरत नहीं है। और कस्टमर आ जाएंगे भाई टेक्नो मोटर्स में, पागल है। एक तो यार मेरी गाड़ी मुझे खुद धोनी पड़ती है भाई, तू इतना वो समझदार है, मेरी गाड़ी भी वॉश कर दिया अगर। चलो ठीक है, ये वाली गाड़ी वॉश कर दिया। अभी यहाँ पर एक कस्टमर और आया BMW के लिए। भाई देखो, एटलीस्ट 18,000 का तो लो। 12, भाई तू रुक जा, 14 तो नहीं, 15 की ले जाए गाड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बता रहा हूँ प्राइस, इतने की जाती होगी। ओ भाई, ये तो 15 में भी नहीं जा रही, 14,600। बस इससे नीचे मैं नहीं। अब जाओ घर जाओ। और लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी मैम। यार ये चिंदी सी गाड़ी के लिए मुझे इतनी बार्गेनिंग क्यों करनी पड़ रही है? 11,000 पागल है क्या? जाना है ऐसे, तू बता भाई। $7,000 की मैं खरीद के लाया हूँ एक गाड़ी। ओ भाई, ये अच्छा कस्टमर आया, तू 15 में ले जा भाई प्लीज, सर में दर्द मत कर। लेट्स गो, बिक गई भाई गाड़ी 15 में। टोटल 6 गाड़ियां हमने बेच दी, एक गाड़ी ऊपर भी खड़ी है, फटाफट से इसकी भी डील करके आते हैं। इसके लिए भी कस्टमर क्योंकि आ चुके हैं, ये भी बिक जाएगी। $64,000 मैंने डाले थे, मतलब एक गाड़ी मैं समझ लो $15,000 की लेकर आया था, और 30 मेरे को मिल रहे हैं, बुरे नहीं है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस मिल रहा है। और ये आंटी कितने दे रही है? 26। ना, आप तो जाओ, आप एक काम करो, 30 ये दे रही है ना, इससे थोड़ा सा और पैसा निकलवाते हैं, 34 में ले जा, बात खत्म, डील डन है। मैं कह रहा हूँ ना, डन है। लेट्स गो, देखो बिक गई। 7 कार्स मैंने बेच दी है भाई, अभी बस 3 गाड़ियां और बेचनी है। लेट्स गो भाई, ऑक्शन चालू हो चुका है, मैं टाइम वेस्ट कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। फटाफट से चलते हैं, वहां से गाड़ियां खरीद के लानी है। अपनी गाड़ी में बैठो भाई, फुल नाइट्रो उड़ाता हुआ ले जाऊंगा भाई मैं अपनी गाड़ी। चलो, सारी ऑक्शन की गाड़ियां मुझे खरीदनी है भाई, स्पेशली पहले नंबर वाली। जाती उतर, सर जल्दी दो, मुझे ऑक्शन में बिड मारना। ये लो, हाँ बेटा, ये ऑडी अपनी है भाई, $33,000 प्राइस जा चुका है। बट कुछ भी हो जाए, गाड़ी तो अपनी होने वाली है। देखो 3, 2, 1 हो गई, एक गाड़ी हम लोग ले चुके हैं, दूसरी BMW है, ये भी मिलेंगे। M3 येलो भाई। भाई ये गाड़ी बहुत महंगी नहीं निकल रही भाई? बहुत ज्यादा महंगी, अरे गाड़ी तो डिजर्व नहीं करती है। चलो शायद से इस बार अपनी गाड़ी हो जाएगी। अरे $1,500 मैंने और डाला है, इसका प्राइस 50,000 पहुंचने वाला है भाई, पहुंच चुका है, पार कर गया। अरे कौन अमीर आ रखा है भाई जो मेरी बिड के ऊपर डाले जा रहा है? 55 ये गाड़ी लाख पहुंचेगी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान की डील नहीं हुई भाई। लेट्स गो, ज्यादा भी नहीं गई। ये वाली BMW भी हम ही खरीदेंगे, Z3 है ना, चालू करो भाई। येलो, ये तो एक ही बार में आएगी। चल, अरे हमने आज एक ऑडी खरीदी, BMW खरीदी, दूसरी भी BMW लेने वाला हूँ मैं। अरे यार, इस गाड़ी का स्टार्टिंग हुआ था 14,000 से और ये 22 क्रॉस कर चुका है, और साथ से अभी अपनी गाड़ी हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट, ये डब्बी गाड़ी आई है भाई, ये तो फ्री में भी देना कोई मैं ना लूं। होंडा यार ले लूं, खत्म करेगा, ले लेता हूँ। चलो 3-4 गाड़ी लिए, ये भी ले लेते हैं। अब बेड सस्ते में आ जाएगी यार ये गाड़ी, इसको ऐसे खड़े कर देंगे, इसे बेचेंगे नहीं, इसको ऐसी साइड में लगा देंगे। चलो भाई लेट्स गो, ऑक्शन की 4 गाड़ियां हमने खरीद डाली भाई। सब लोग सोच रहे होंगे भाई कोई तो बहुत अमीर बंदा आया था आज। ठीक है, इस गाड़ी को टो करवाते हैं ऑफिस में, इस वाली गाड़ी को भी ऑफिस में टो, इसको भी ऑफिस में। ये वाली गाड़ी यहीं छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, इसको अपने ऑफिस के बाहर नहीं ले जाएंगे भाई, थोड़ी बेइज्जती होगी। अभी जो जो गाड़ियां खरीदी है इसे फटाफट से ले जाके बेचते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल 7 गाड़ियां बेच चुके हैं, अभी हमें बस 3 गाड़ियां और बेचनी है और अपना आज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा भाई। चलो भाई लेट्स गो, पहले ये वाली BMW अंदर करते हैं। मुझे ना गाइस कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आज मैंने कितनी BMW बेची है भाई। मेरे हिसाब से तो मैंने 6-7 बेच दी होगी, मतलब अभी जितनी लाए उसको मिला के, और नहीं तो क्या भाई, हम जहां भी जा रहे हैं बस BMW खरीद के ला रहे हैं। चलो भाई एक और आ चुकी है, इसको पीछे करके लगा देता हूँ, डन सीन। लास्ट एक गाड़ी बची है, ये वाली, ये तो ऑडी है भाई, ये महंगी बिकनी चाहिए। चलो भाई इस गाड़ी में ड्रिफ्ट किट लगी है वैसे। पेज BMW Z3A, ये हम लोग बेचेंगे 42,000 का,
पुट इट ऑन सेल। M3 ये बेचेंगे 1,20,000 का। Audi TT भाई ये गाड़ी भी 1,00,000 की निकाल सकते हैं शायद, वैसे तो नहीं हो पाएगा बट ठीक है बेच के देखते हैं। बाकी एक गाड़ी अपनी सामने गैराज में खड़ी है वो लेके आनी है मुझे। बाकी सारी गाड़ियां मैंने बेचने पे लगा दी है, हम लोग उसे बेस डालेंगे अभी के अभी, बहुत टाइम पड़ा है अपने पास। एक ये गाड़ी है रिपेयर हो चुकी है, इसको लेके चलते हैं फटाफट। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नो मोटर्स से नाम चेंज करके मुझे BMW मोटर्स कर देना चाहिए, सिर्फ BMW बेच रहे हैं हम लोग। भाई साहब कस्टमर भी तो बहुत तेज आ रहे हैं भाई BMW के लिए। 42 की बेचनी है मुझे, 26 ये दे रहा है। नहीं 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 अच्छी डील नहीं है, 32 की लेगा तो ले जा भाई, वैसे नहीं जाएगा इतना ऊपर। नहीं 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 भाई 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 तू जा घर जा। हाँ जी भाई आप बताओ। 22 की मैं लाया था, 30 तक की बेचूंगा सही बताऊं तो, रियल रेट 24। नहीं नहीं तू भी घर जा, जल्दबाजी में नुकसान नहीं कराना भाई। ऑडी TT 34 की मैं लाया था, 50-60 की भी। अरे भाई तुम मेरे खरीदने वाला प्राइस पे क्यों गाड़ियां मांग रहे हो? गाड़ी जितने की मैं खरीद के लाऊं ये लोग मेरे से वो रेट मांग रहे हैं। एक गाड़ी अपने बेचने में नहीं लगाई, ये लगा देते हैं। हाँ जी मैम ऑडी TT के लिए आए हो, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन का कार है। 34 भाई देख रहे हो इसको, मैं 34,000 की गाड़ी लेकर आया हूं, 34 की बिक्री है जैसे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ऑक्शन में गाड़ियों का प्राइस रेयरली अच्छा निकलता है भाई, नुकसान हो रहा है कि गाड़ियां जितने की मैं लेकर आया हूं ना इससे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। ओ वेट ये इस पे चीड़ी लाई है, तो 78 की ले जा भाई ये प्लीज, ये बिक जाएगी, ये बिक गई, लेट्स गो। टोटल आज हमने इतनी, मेरे को बस अभी मेरे को याद नहीं पता शायद मैंने 8 गाड़ियां बेच दी है। सोने चलते हैं, बस मुझे 2 गाड़ियां और बेचनी, अपना चैलेंज एकदम मस्त कंप्लीट हो जाएगा भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, फटाफट से वापस चलते हैं शोरूम में और आज हमें 2 गाड़ियां बेचनी है। ऑफिस ओपन है, थोड़ा बहुत गंदा है बट ये साफ सुथरा करते रहेगा। देखो यार एक काम है, जब तक ऑफिस में कस्टमर आ रहे हैं मैं काम करता हूं, कार मार्केट प्लेस घूम आता हूं, बाय चांस कोई तगड़ी लग्जरी कार मिल रही होगी तो ले लेंगे, वरना अपना चैलेंज समझ लो कंप्लीट हो ही चुका है। मेरे को जितनी गाड़ियां बेचनी थी मैंने उतनी गाड़ियां ला के ऑफिस में खड़ी कर दी, कस्टमर आके अपना खरीद लेंगे। मैं आ चुका हूं मार्केट प्लेस गाड़ियां देखने के लिए, बट आज यहां पे कोई भी मस्त कार तो नहीं है, एक मस्टैंग खड़ी है ये तो मैं खरीद ही लूंगा। बाकी 2-2 BMW भाई गेम में क्या हो गया, इतनी सारी BMW क्यों आ रही है? मुझे नहीं खरीदनी, मैं खरीद खरीद के थक गया, मस्टैंग खरीद लेते हैं एक बार को। गाड़ी 0 डैमेज है भाई, बहुत अच्छी डील है, 33,000 की दे दे भाई, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी में 50+ में निकाल दूंगा, एक ही बार में खरीद लेंगे। चलो लेट्स गो, अपनी गाड़ी को टो करवा देते हैं और मस्टैंग चलाते हुए चलते हैं ऑफिस में। योगी गाड़ी टो, बैठते हैं मस्टैंग में और लेट्स गो भाई। चलो भाई एक और मस्त लग्जरी कार आ चुकी है और ये गाड़ी ना मैं कलेक्शन में डाल रहा हूँ भाई, इस गाड़ी को हम लोग बेचेंगे नहीं, इसको मैं बेचने नहीं वाला इस गाड़ी। अब एक कलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं गाड़ियों का। मस्टैंग अपनी पर्सनल कार होगी, एक ब्लैक वाली अपनी पर्सनल कार है, ये जो गाड़ियां ये लाएंगे हम लोग बेचने खरीदने के लिए। ऑडी TT की अभी तक अच्छी डील नहीं आई है भाई सच में। ओके अब जाके कुछ अच्छी डील मुझे मिली है, 48 में गाड़ी ले जाएगा, मतलब ठीक है 34 के लिए आया था, 48 में बेच रहा हूँ, $11,000 कमा रहा हूँ, बिक गई गाड़ी। अब बस एक गाड़ी और बेचनी है, चैलेंज कंप्लीट। BMW Z3 है, 22,000 की लाया था, 26 की नहीं तो ये 30 की लेगा, प्लीज खरीद ले यार। ओके बिक गई भाई, बिक जाती है, पूछना तो चाहिए एटलीस्ट। ये वाली गाड़ी 15 की लाया था और ये बंदा 21 की ले रहा है, 5,000 का प्रॉफिट। और ये मैम 26 भाई, ये बहुत अच्छी डील है, इसको 26 को मैं 29 के लिए बोलता हूँ, क्या पता बिक जाए। बिक गई, ये बिक गई, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेट्स गो बिक गई भाई, चैलेंज कंप्लीट भाई, लेट्स गो। सारी गाड़ियां आज मैंने बेच डाली, $5,30,000 मैंने कमा लिए हैं। बट हां थोड़ा सा दुख है कि काश निसान GT-R जब मेरे पास थी तो थोड़ा बहुत पैसा और होता तो वो गाड़ी हम लोग खरीद लेते, बट हां आज भी अपना शोरूम खाली हो चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो खाली नहीं है, अपनी एक गाड़ी वहां दूर खड़ी हुई है, एक मस्टैंग इधर है, बगल में ब्लैक कलर का कार है, तो थोड़ी थोड़ी कलेक्शन अपना बनना स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे करके अपने गैराज में अपनी पर्सनल कार बहुत सारी हो जाएगी और बेचने के लिए अलग होगी। मेरी जो पर्सनल कार होगी उसे मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाके एकदम मस्त खड़े कर दूंगा। बाकी ठीक है यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 6,50,000 लाइक के लिए, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो और मुझे कमेंट्स में जाके इसी टाइप की और भी मस्त मस्त चैलेंज जरूर देना कि जिससे मेरा शोरूम भी अपग्रेड होए और मैं पैसा भी कमा पाऊं बहुत सारा गाड़ियां खरीद के और बेच के। जाओ चैलेंज अपना नीचे कमेंट्स में लिख दो और चैनल पर न्यू हो तो वहीं पे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना, क्योंकि इस टाइप की और भी बहुत मस्त मस्त गेम प्ले वीडियो चैनल पे हमेशा आने वाले हैं, तो जाओ जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।